हेलो फ्रेंड्स, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा काम ही मेरा इंट्रोडक्शन है और उससे ही आप मुझे जान सकोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे स्पेशल स्टोरी एंड मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस यूट्यूब चैनल के बारे में। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन के अलग अलग टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में डेली लाइफ एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, इसके साथ ही आप एजुकेशन को एक्सप्लेन करते हो इस तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, इसके साथ ही रिव्यू एक्सप्लेनेशन वीडियोस, इसके साथ ही दोस्तों आप मोटिवेशन एक्सप्लेनेशन, इंस्पिरेशन एक्सप्लेनेशन, इसके साथ ही व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन, इस तरह के वीडियोस आप प्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ वॉर एक्सप्लेनेशन, हीरो एक्सप्लेनेशन, दोस्तों वॉरियर एक्सप्लेनेशन, इसके साथ ही लेजेंडरी पीपल, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्हें एक्सप्लेन करना, इनके बारे में जानकारी देना लोगों को, इस तरह के वीडियो आप प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इन अलग अलग टाइप्स को दोस्तों, आप अगर इन अलग अलग टाइप्स को सिलेक्ट करते हो तो इसके फॉर एग्जांपल वॉर के पर्टिकुलर व्यूअर्स रहेंगे, इसके साथ ही इंडस्ट्री के पर्टिकुलर व्यूअर्स रहेंगे। इंडस्ट्रियल वीडियोस प्रेजेंट करते हो तो जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया से, कंपनी एरिया से जुड़े हैं, वो लोग उन वीडियोस को देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप एजुकेशन को एक्सप्लेन करते हो तो जो लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं वो लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, स्टोरी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब चैनल, ये इस तरह के वीडियो यूट्यूब चैनल होते हैं जिन्हें इन सभी कैटेगरी के लोग देखते हैं, क्योंकि एक स्टोरी एजुकेशन को एक्सप्लेन कर सकती है, मूवीज को एक्सप्लेन कर सकती है, इसके साथ ही इंस्पिरेशन वीडियोज मोटिवेशन को एक्सप्लेन कर सकती है, वॉर को एक्सप्लेन कर सकती है, दोस्तों लेजेंडरी पर्सन को बता सकती है, सभी बातें एक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस में आ जाती है। तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब चैनल ये एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है। अगर आप इस तरह के वीडियोस प्रेजेंट करते हो तो आसानी से आपके वीडियो यूट्यूब चैनल को ग्रो मिल सकता है। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए आप कॉन्टेंट कहाँ से ले सकते हो, इसके साथ ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए आप कॉन्टेंट कहाँ से ले सकते हो। स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए दोस्तों, आपको ये देखना होगा कि दुनिया में आज के वक्त में ट्रेंड में कौन से वीडियो चालू है, इसके साथ ही कौन सा मुद्दा है दुनिया में जो लोग ज्यादा देखते हैं, लोगों का ध्यान उस मुद्दे पर ज्यादा केंद्रित है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, रूस और यूक्रेन वॉर, तो आप रूस और यूक्रेन की शुरू से हिस्ट्री को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हो एक स्टोरी की तरह। ये होता है ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाकर स्टोरी प्रेजेंट करना। इसके साथ ही दोस्तों, अगर दुनिया में अलग अलग तरह के किस्से होते, इसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हो मूवीज में RRR मूवीज आ गई, तो उससे रिलेटेड स्टोरी क्या है, वो कौन है, किस तरह के कैरेक्टर्स को राजमौली सर ने वहां पर ऐड किया है, उसके बारे में आप स्टोरी शुरू में ही लोगों को बता सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, आप व्यूवर्स को, ऑडियंस को किस तरह की वीडियोस चाहिए, वो उनका फोकस कौन सी वीडियोस पर ज्यादा है, उन्हें देखकर आप उनसे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो। पुष्पा मूवी आई तो दोस्तों लाल चंदन के वीडियोस बना सकते हो, भारत देश में लाल चंदन कहाँ बनता है, कहाँ मिलता है, इसके बारे में आप उन्हें बता सकते हो, एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, आप अलग अलग स्टोरीज को लेकर दुनिया में कौन से ट्रेंड चालू है, यानी ट्रेंड वीडियो कौन से दुनिया में, उन्हें लेकर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे वो पर्सन हो, पॉलिटिकल किस्सा हो, एंटरटेनमेंट का किस्सा हो, आप हर एक वीडियो को आसानी से स्टोरी के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हो। बस आपको सोचना है आपका कंटेंट कौन सा है, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको किस तरह से बनानी चाहिए। दोस्तों, ये आप सोच सकते हैं, आसानी से आप ट्रेंडिंग टॉपिक को ले लीजिए और उससे रिलेटेड वीडियोस आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कीजिए। स्टोरी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों, आपके लिए गूगल एप्लीकेशन है, विकिपीडिया है, वहां पर जाकर आप आसानी से वीडियो को स्पेशल बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप मूवी एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान सिंपल सी बात है। आपको मूवी एक्सप्लेन करने के लिए आप दूसरे यूट्यूबर जिन्होंने हिंदी में मूवीज को प्रेजेंट किया है उन्हें देखिए, जिन्होंने मूवीज पर वीडियो बनाई है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्रेजेंट किए हैं, उन्हें देखिए, उन्होंने किस तरह से वीडियो को प्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं ऐसे वीडियोस को। दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको जो YouTube पर मूवी को एक्सप्लेन करते हैं वो YouTube चैनल देखने चाहिए। दोस्तों, उन YouTube चैनल को आपको देखना चाहिए, उन्होंने जो स्टोरी को एक्सप्लेन किया है उनमें कौन सी स्पेशल स्टोरी आपको लगती है जो आपके व्यूवर्स को बताना चाहते हो।
वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आपने खुद किसी मूवी को देखा है, आपको वो मूवी पसंद आ गई है, अच्छी लगी है, तो दोस्तों उसके फोटोज को, इमेज को, वीडियोस को कलेक्ट करके आप आसानी से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो और एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रेजेंट कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन वीडियो 20-25 मिनट तक की भी हो जाएगी तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोगों को एक्सप्लेनेशन स्टोरीज मूवीज सुनना पसंद आता है। तो इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कर सकते हैं मूवीज से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड। ये आसानी से आपके वीडियो को, आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो कर देगा। स्टोरी और मूवी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हैं, उन्होंने किस तरह से स्टोरी को, मूवीज को प्रेजेंट किया है, उनके व्यूज कितने हैं, आप उन्हें देखकर आपको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए स्टोरी को, इसके साथ ही वीडियो इमेज कहाँ पर अटैच करने चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। फ्रेंड्स, मूवी एक्सप्लेनेशन ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है आपके यूट्यूब चैनल को, आपकी वीडियोस को ट्रेंड में लाने के लिए और आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, मूवीज वीडियोस प्रेजेंट करना, इसके लिए आपको कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है? आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आपका एक सिंगल मोबाइल जो आपके हाथ में है और छोटा सा एक माइक, उससे आप आसानी से आपकी वीडियो को स्पेशल बना सकते हो। दोस्तों, इसे वीडियोस प्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत बड़ा कोर्स नहीं करना है, बस आपको सोचना है, आपको देखना है और सीखना है। आप आसानी से 2-4 दिन के अंदर मूवी एक्सप्लेन वीडियोस बनाना शुरू करोगे। दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वॉइस इमोशंस। दोस्तों, आप अगर किसी स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हो, मूवीज को प्रेजेंट कर रहे हो, उस सीन से रिलेटेड इमोशन आपकी वॉइस में आने चाहिए, आपकी आवाज में, उससे रिलेटेड वीडियोस से रिलेटेड आपकी इमोशन आपकी बातों से आने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा माइक लेना पड़ेगा कि आवाज स्पष्ट आ जाएगी। साथ ही इमेज और वीडियो जो आपकी वीडियो को स्पेशल बना देगी, वो इमेज और वीडियो आप पिक्सल जैसे एप्लीकेशन से आसानी से डाउनलोड करके अपने वीडियो को स्पेशल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जो कॉपीराइट फ्री इमेज वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं। मैंने भी हमारे इस कंटेंट क्रिएटर वीडियो यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट किया है कि कौन से एप्लीकेशन है जो आपको कॉपीराइट फ्री इमेज और वीडियो प्रोवाइड करती है, यानी देती है, उन्हें लेकर आप वीडियो को स्पेशल बना सकते हो। इसके साथ ही BGM यानी बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों, आपकी वीडियो, आपकी स्टोरी, आपकी मूवी किस तरह की है, किस टाइप की है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, आपकी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह का होना चाहिए। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक में अगर आप हॉरर मूवी को प्रेजेंट कर रहे हो, हॉरर स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो दोस्तों आपका म्यूजिक भी उसी की तरह होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आपकी जो इमेज है, आपकी वीडियोज है, जो आपने आपकी वीडियो को स्पेशल बनाने के लिए ऐड की है, उन्हें म्यूजिक स्पेशल बना देता है और रियलिटी का फील देता है, लोग उसे देखना पसंद करते हैं। आप किस तरह की मूवी प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह की स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हो, वॉर से रिलेटेड हो, हॉरर हो, हिस्टोरिकल हो, इसके साथ ही दोस्तों इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हो, एजुकेशन हो, किस तरह की स्टोरी को आप प्रेजेंट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी स्टोरी का म्यूजिक कैसा होना चाहिए, जो आपकी स्टोरी को, आपकी मूवी को, आपकी वीडियो को स्पेशल बना सके। दोस्तों, परफेक्ट टाइमिंग आपकी वीडियो को अपलोड करने का, कौन सा ऐसा टाइमिंग है जिस वक्त में आपके व्यूवर्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं और तुरंत वीडियो को देख लेते हैं, उस टाइम को आपको कैप्चर करना होगा। अगर आप मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आपका टाइमिंग कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में आप सोच सकते हो दोस्तों, तब जाकर आप वीडियो को स्पेशल बना सकते हो। आपके एक्टिव व्यूवर्स कब होते हैं उसके बारे में आप सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नाइट के वक्त लोग जब काम करके थक कर हार कर आ जाते हैं, तो दोस्तों उसके बाद वो वीडियोस देखना शुरू करते हैं, तब जाकर आप आपकी वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हो नाइट के वक्त में, क्योंकि सुबह में उठकर लोग काम पर जाते हैं, उतना वक्त नहीं रहता जो आपकी वीडियो को चाहिए होता है। इसके लिए आपकी वीडियो स्क्रॉल करके या टकेली जाती है, हटाई जाती है, तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को नाइट के वक्त अपलोड करना चाहिए, नाइट के वक्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि नाइट के वक्त में हर एक इंसान अपने हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो ही देखता है, तो दोस्तों इसी वक्त आप
आपकी वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी व्यूज आसानी से बढ़ जाएगी और गूगल के आपके यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ में आएगा कि आपकी वीडियो में खासियत है, आपकी वीडियो स्पेशल है, इसके लिए वो आपकी वीडियो को ज़्यादा ग्रो करने की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करेगा। तो इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो टिप्स मैंने आपको बताई है वो आप इस्तेमाल कीजिए, आसानी से आपकी मूवीज और स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को ग्रो मिल जाएगा। और भी अगर आप एनिमेशन वीडियो किस तरह से प्रेजेंट करना है जानना चाहते हो, इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए स्टोरी प्रेजेंट करना है तो किस तरह से करनी है ये जानना चाहते हो, तो आप मेरे इसी कंटेंट क्रिएटर वीडियो यूट्यूब चैनल पर बच्चों के लिए किस तरह से स्टोरी आप प्रेजेंट कर सकते हो, इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल, हर तरह के 120 प्लस वीडियोस आइडियाज आपको दिखाए जाएंगे और यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही एडिटिंग के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, यूट्यूब के रूल्स क्या है जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी वीडियोज़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। आप उन्हें देख सकते हो और आसानी से एक परफेक्ट यूट्यूबर बन सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।